आप जरूर जाइएगा। धन्यवाद। बंदूक चलाने वाला आज बजा रहा है बांसुरी, जिसकी सुरीली तान से मंत्रमुग्ध हो जाता है पूरा माहौल। जी हाँ, ये आपने सही पढ़ा। कभी एक समय जिनकी बंदूक गरजती थी, कभी जिनकी बंदूक के फैसला सुनाती थी, जिनकी बंदूक के अच्छे और बुरे को नहीं पहचानती थी, आज इनके हाथों से बंदूक की गोली की जगह बांसुरी की तान निकलती है। आज इनके हाथों में बंदूक की जगह बांसुरी ने ले ली है। बताते चलें कि कभी जिन कैदियों के हाथों में तमंचे और हथियार लहराते थे, अब उन्हीं हाथों में हारमोनियम और तबला है, क्योंकि अब इन बंदियों का लक्ष्य बदल गया है। बिहार के पूर्णिया सेंट्रल जेल के बंदी इन दिनों प्रयाग संगीत समिति से संगीत की डिग्री हासिल कर रहे हैं। इससे डिप्रेशन के शिकार इन कैदियों का हृदय परिवर्तन हो रहा है। साथ ही जेल से रिहा होने के बाद संगीत के माध्यम से वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर रोजगार पा सकेंगे। जेलर ने कैदियों के लिए संगीत शिक्षा की व्यवस्था की। वहीं केंद्रीय कारागार पूर्णिया के जेल अधीक्षक राजीव कुमार झा ने कहा कि 2 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में कैदियों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी। तब उसने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को संगीत की पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। प्रयाग संगीत समिति के माध्यम से अब 30 बंदियों का मध्यमा का फॉर्म भरा गया है। जेल में ही इनकी परीक्षा भी होगी। इन्हें संगीत सिखाने के लिए सृजन कला मंडलम के जयदीप मुखर्जी और सूरज साहनी जेल में ही आकर इन्हें संगीत और वाद्य यंत्र की शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा कि संगीत शिक्षा से कैदियों पर काफी पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है। संगीत सीख कर यह लोग बाहर जाकर रोजगार पा सकेंगे। वहीं जिलाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि पूर्णिया सेंट्रल जेल में जेल अधीक्षक द्वारा कैदियों के लिए कई अच्छे काम किए जा रहे हैं। कैदियों को संगीत की शिक्षा के साथ उनके डिग्री देने की भी व्यवस्था की गई है, ताकि यह समाज की मुख्य धारा से जुड़े और संगीत के माध्यम से रोजगार हासिल कर सके। कुछ जो बंदी है वो संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संगीत संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कैसा माहौल है और किस तरह से आपने उनको सपोर्ट किया है? हमने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर फणीश्वरनाथ रेणु जी की कृति आदिवरात्रि के महक पर के आलोक में बंदियों के द्वारा नाट्य एवं संगीत कराने हेतु 25 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने स्थानीय रंगकर्मी और कर्मियों के सहयोग से प्रशिक्षित करने का प्रयास किया था, और 2 अक्टूबर को उन बंदियों के द्वारा उस पर अपना परफॉर्मेंस भी दिया गया। उस 25 दिवसीय कार्यशाला के दौरान ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि बंदियों में जो कुछ करने, कुछ समझने और जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने हेतु एक काफ़ी ललक है, उत्साह है, और उनको संगीत के प्रति मैंने काफ़ी देखा कि उनकी अभिरुचि रही है। और उसी कार्यशाला के दौरान मुझे यह ऐसा लगा कि जो बंदी संगीत का फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल डिग्री प्राप्त कर सके, तो उस दिशा में कारा प्रशासन कुछ यदि सहयोग करे तो अच्छा रहेगा। उसी क्रम में हम लोगों ने इलाहाबाद के नगर प्रचारणी प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद के द्वारा जो डिग्री दिया जाता है फॉर्मल डिग्री म्यूजिक के सेंस में, उसमें हम लोगों ने बंदियों का सर्वेक्षण कराया था। 35-40 बंदी उसके लिए इच्छुक थे। अंततः हम लोगों ने पाया कि 30 बंदी, उसमें काफ़ी ज़्यादा 30 बंदी जिन्हें सजावार और विचाराधीन दोनों हैं, इस म्यूजिक शिक्षा का फॉर्मल एजुकेशन और डिग्री लेने हेतु काफ़ी उत्सुक थे, और हम लोगों ने उनका एडमिशन करवाया। 5 व्यक्ति का एडमिशन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनका आधार कार्ड नहीं था अवेलेबल हो पाया, उस फॉर्म में आधार कार्ड की आवश्यकता थी। अंततः 30 लोगों का हम लोगों ने प्रति बंदी 715 रुपये का शुल्क देकर एडमिशन कराया है। 6 वर्ष तक यदि वो लगातार ये करेंगे तो उनको म्यूजिक में स्नातक की डिग्री प्राप्त होगी। अभी वो प्रथमा के लिए फॉर्म भरे हैं, जिनकी परीक्षा भी कारा में ही, जब भी उनके द्वारा परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा, कारा में ही आयोजित कराई जाएगी। इससे उनके लाइफ में कितना बदलाव आएगा?
बंदियों को जो हमने देखा 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में कि मात्र 25 दिनों के इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में जो उन लोगों ने नाटक की प्रस्तुति दी या संगीत और नाटिका जो प्रस्तुतिकरण दिया वो बहुत काबिले तारीफ था। कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये इमेच्योर कलाकार हैं और ऐसा लगा कि यदि इन्हें तराशा जाए तो इनकी प्रतिभा में काफ़ी निखार आएगा। और इनका उत्साह एक को देख करके 10 बंदी उत्साहित होते हैं और हमारे जो प्रशिक्षण देने के लिए जयदीप मुखर्जी साहब और सूरज साहनी साहब आते हैं उनके द्वारा बताया गया कि अभी माहौल ऐसा हो गया है कि 60-70 बंदी संगीत के प्रति इच्छुक दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव माहौल इससे बनता जा रहा है। यहाँ पे कई तरह के उद्योग भी चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है आगे? हमारे यहाँ 1919 से केंद्रीय कारा पूर्णिया में निर्माण शाला का स्थापन किया गया है। इस निर्माण शाला में चना का सत्तू, विभिन्न तरह के मसाले जैसे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, सरसों तेल और बंदियों का वस्त्र, कास्टिक साबुन और फिनाइल का उत्पादन किया जा रहा है। ये सश्रम सजावार बंदी से ही काम कराना होता है और वर्तमान में हमारे निर्माण शाला में 76-77 बंदी सजावार बंदी सिर्फ निर्माण शाला में कार्यरत हैं और इस निर्माण शाला को चलाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो इससे क्या किस तरह का रोजगार मिल रहा है? इनसे ये होता है कि बहुत तरह का जैसे कि कपड़ा कैसे बुनाई किया जाता है और किसी तरह का मिल हो तो उस मिल में के कैसे उस प्रोडक्ट का आप पिसाई कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को कैसे फिनिश्ड गुड्स में फिनिश बना सकते हैं वो सीखते हैं और बाहर जाके वो विभिन्न तरह के मिल का स्थापना कर सकते हैं। आटा मिल हो, चक्की मिल हो, सरसों तेल का मिल हो, उसे रोजगार वो कर सकते हैं। और रोजगार के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के आरसीटी के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम भी हम लोग करवाते हैं और उनके द्वारा इन बंदियों को बताया भी गया है कि यदि आप स्वरोजगार हेतु इस प्रशिक्षण के बाद लोन भी लेना चाहें तो बैंक उन्हें लोन भी उपलब्ध कराएगी। इसमें सर एक आपके द्वारा पहल की गई जिसके तहत जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा देने की बात आई, जो आपके द्वारा पहल किया गया? नहीं, जिला पदाधिकारी महोदय के निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी महोदय का निर्देश था कि बंदियों का व्यावसायिक कौशल यूनियन प्रशिक्षण हमेशा आपके कारा में चलते रहना चाहिए और उन्होंने ही आरसीटी डायरेक्टर को निर्देश दिया कि आप बंदियों को कौशल यूनियन हेतु विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम उनके पास अवेलेबल हो वो कारा में भी चलाया जाए। तो ये जिला पदाधिकारी महोदय का निर्देश था, उनकी प्रेरणा थी और उनके मार्गदर्शन में ही ये हो रहा था। साथ ही जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा निरीक्षण के क्रम में निर्देश दिया गया कि जो सजावार बंदी है जिनसे हम काम लेते हैं विभिन्न तरह के काम जैसे खाना बनाना, फूल बागवानी, सफाई या निर्माण शाला, इन सब में जो भी काम करते हैं उनको हम लोग मजदूरी पारिश्रमिक रूप में एक सर्टेन राशि देते हैं और उस राशि में से एक सर्टेन राशि बंदी के अपराध से जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए भी राशि काटी जाती है और काट कर अपराध पीड़ित कल्याण न्यास में पटना के खाते में RTGS के माध्यम से भेजा जाता है राशि। केंद्रीय कारा पूर्णिया में December 14 के बाद से अब तक जिला स्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण न्यास की इस संबंध में बैठक नहीं हो पाई थी कि अपराध पीड़ित परिवारों को कितनी राशि किनको वितरित की जानी है। तो जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में 19 नवंबर 2021 को हम लोगों ने 151 सजावार बंदियों के अपराध से पीड़ित चिन्हित परिवारों की को राशि देने हेतु समिति के द्वारा बैठक की गई जिसमें 56 सुयोग्य मामले में 5,37,000 के लगभग अपराध पीड़ित परिवारों में वितरित किए जाने की अनुशंसा की गई है विभाग को। सर, ई मुलाकाती में पूरे बिहार में पूर्णिया का जो सेंट्रल जेल है वो अव्वल रहा है, क्या व्यवस्था की गई है आपके द्वारा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लगातार 3 महीने सेंट्रल जेल पूर्णिया के द्वारा पूरे कारा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। जिला पदाधिकारी महोदय के 17 अगस्त के इंस्पेक्शन के दौरान उनका निर्देश था कि ई मुलाकाती का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि बंदी जो का अभी तक मुलाकात नहीं हो पा रहा है कोरोना काल में उनका व्यापक रूप से मुलाकात संभव हो, परिजनों से मुलाकात हो पाए, परिजनों को देख पाए वीडियो कॉल के माध्यम से। तो जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने कई स्तरों पर इसकी व्यवस्था की। उसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा
कंप्यूटर सेट का इंतजाम किया, प्रोग्रामर का इंतजाम किया, बंदियों को काफ़ी उत्साहित किया कि वो अपने परिजनों में इस बात को सर्कुलेट करा सके। और हम लोगों ने समाचार माध्यमों के माध्यम से भी विभिन्न जगह विभिन्न जैसे समाहरणालय में, कोर्ट में या जेल गेट पर भी हमने बड़ा सा होर्डिंग लगाया था कि मुलाकाती की सुविधा किस प्रकार ली जा सकती है। और उसी का असर हुआ कि बंदियों के सहयोग से हमारा कारा लगातार 3 महीने तक इन मुलाकाती में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक यहाँ पे जैविक बागवानी की भी व्यवस्था की गई है क्या? जी, किस प्रकार पौधारोपण किया? जी जी जी, जेल में मेडिसिनल प्लांट लगाने का उद्देश्य ये था कि उसका जो प्रोडक्ट्स है उसका लाभ बंदी भी अपने स्वास्थ्य, अपने को स्वस्थ बनाने रखने में उसका उपयोग कर सकें। इसी प्रेरणा के तहत अभी वो छोटे स्तर पर भी फिर उसको हुआ और कुछ बड़ा करना है। सहायक कारामहिषक क्षेत्र के केंद्रीय कारा पूर्णिया के निरीक्षण के क्रम में उनके द्वारा इस धन्वंतरी आयुर्वेदिक उद्यान का उद्घाटन किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा भी जब कारा का निरीक्षण किया गया तो उनके द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया है। और उसका बंदियों के सहयोग से ही उस आयुर्वेदिक उद्यान का नर्चरिंग किया जा रहा है। किस किस तरह का प्लांट यहाँ पे है? स्ट्रॉबेरी है, तुलसी पत्ता है, मद्रास है, रुद्राक्ष है, लौंग है, इलायची है, तो इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो लगाए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।